गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है, जिन्हें जाहरवीर गोगराणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है। यहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्ध वीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चुरू जिले के दंतखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जहर पीर के नाम से बुलाते हैं। उन्हें सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुगा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहिर पीर के नामों से पुकारते हैं। ये गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उनके जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेड़ी स्थित गोगा जी की समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहाँ एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेड़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धुने पर शीश नवाकर भक्तजन मन्नत मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। मुख्य कथा। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा जी महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरखनाथ ने उनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गुगल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव उत्पन्न हुए थे। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।